तो एटॉमिक मास के बारे में जानते हैं तो एटॉमिक मास वास्तव में होगा क्या कि कोई भी एक एटम है उसके मास को हम एटोमिक मास के नाम से जानते हैं ठीक है तो जब हम एटॉमिक मास कंसीडर करते हैं तो एटम आपको पता है कि यहाँ पर सेंटर में जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं ठीक है ये एटम का स्ट्रक्चर है अब जो इलेक्ट्रॉन का मास है इट इज़ नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन और हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास ऑलमोस्ट सिमिलर है और इलेक्ट्रॉन का मास उनकी तुलना में बहुत ही कम है नेग्लिजिबल ठीक है तो जब भी हम एटम के मास के बारे में बात करेंगे तो वी विल द न्यूक्लियस द मास ऑफ न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को हमने वहां से हटा दिया है नेग्लिजिबल मान के तो इन शॉर्ट द मास ऑफ वन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस ठीक है अब न्यूक्लियस का जब हम मास निकालने वाले हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में कितने पार्टिकल हैं और हर एक पार्टिकल का कितना मास है वहां पर ठीक है अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि न्यूक्लियस का एक पार्टिकल ए एमयू हम डिफाइन कर चुके हैं तो न्यूक्लियस में जो पार्टिकल है उसका मास होता है वन एम अगर किसी न्यूक्लियस में दस पार्टिकल है तो इसका मतलब उसका टेन एम यू उसका मास हो जाएगा ठीक तो हमने कहा कि एटोमिक मास क्या होता है इट इज द मास ऑफ न्यूक्लियस और नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं न्यूक्लियस में मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ ईच पार्टिकल अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियोन तो कितने न्यूक्लियन उसके अंदर है इन टू मास न्यूक्लियन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी कि एक न्यूक्लियन का मास हम कितना लेते हैं वन है न्यूक्लियन हम प्रोटोन को भी बोल सकते हैं न्यूट्रॉन को भी बोल सकते हैं तो यहां से नंबर ऑफ न्यूक्लियन जो है इन टू मास ऑफ वन न्यूक्लियन हमें करना है नंबर ऑफ न्यूक्लियन यानी प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन का सम मल्टीप्लाइड बाई वन एमयू अब आपको पता है कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन का सम होता है ए ये ए यहाँ पे क्या है मास नंबर ठीक है तो यदि हमें किसी एलिमेंट का मास नंबर पता हो तो यूनिट हम उसमें क्या लगा देंगे एव यू तो बन जाएगा उसका एटॉमिक मास ठीक है तो चूंकि यहाँ पे क्या है मास नंबर जैसे फॉर फोर दू इलेवन एन ए ट्वेंटी थ्री ठीक है ये सोडियम एलिमेंट है ठीक है तो इलेवन जो है इसका एटोमिक नंबर है और ट्वेंटी थ्री इसका मास नंबर है मास नंबर का मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटोन का सम समी टी थ्री यहाँ पे मास नंबर है तो एटॉमिक मास में कन्वर्ट करने के लिए मुझे सिर्फ क्या करना है ट्वेंटी थ्री के साथ इसकी यूनिट लगा देनी है ए एमयू और अगर क्वेश्चन में ग्राम में पूछा हो तो हमें पता है कि वन एम यू इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम तो हम आंसर एम यू ग्राम में भी लिख सकते हैं के जी में भी लिख सकते हैं अब एक छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन सिक्सटी फोर एम यू हीलियम सैंपल और मास नंबर आपको एग्जाम में दिया हुआ होता है तो इसका मतलब अगर मास नंबर है तो इसका एटॉमिक मास आप बता सकते हैं सीधा कि इसका एटॉमिक मास हो जाएगा फोर एम यू एटोमिक मास कितना हो जाएगा फोर एमयू तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है सैंपल मास इन एमयू डिवाइडेड बाई एटोमिक मास इन एमयू तो सिक्सटी फोर एमयू वास गिवन एज ए सैम्पल मास एंड फोर एमयू वासमिक मास मिलाकर ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन एटम्स ठीक